सर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, किस हवाले से रखी है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिस अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है। क्या बताओ यारो, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती तो डूबी, वहां पानी कम था। आज इस बात पर मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब ने ऑल पार्टी डेलीगेशन बुलाई है 2 साल के बाद। मैं उस पर वेलकम करता हूं, खुश आमदीद करता हूं कि उसने 2 साल के बाद आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है दिल्ली में। मैं अपनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करता हूं कि 5 अगस्त 2019 हमारी जो पोजीशन थे वो बहाल किया जाए, और साथ साथ ही हमारे जो कांग्रेस के लीडर जनाब गुलाम नबी आजाद साहब और गुलाम अहमद मीर साहब और ताराचंद जी से और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मैडम महबूबा मुफ्ती जी साहिबा और मुजफ्फर शाह साहब और यूसुफ तारिगामी साहब, उनसे मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं सबसे फोकस करना। जो 5 अगस्त 2019 जो पोजीशन थी हमारी उस पे फोकस करना, वो बात करना। दूसरी बात, जो हमारे जम्मू कश्मीर में युवा है, जो पढ़े लिखे हमारे बच्चे हैं, जो आजकल ज्यादा जम्मू कश्मीर के बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, जो आजकल हमारे बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, उस पे भी बात करना चाहिए। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हमारे यूथ को बताया कि बिजनेस करो। हमारे नौजवानों ने, कुछ बच्चों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, उन्होंने फैक्ट्रियां बनाई, उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाई, जमीन बेच के आज उनको बैंक रेस्पॉन्ड नहीं दे रहा है। उनको सीसी लिमिट बढ़ाना चाहे कि और हमारा तुजारत, उनसे तुजारत बढ़ जाएंगे, तभी से हमारे बच्चे यहां जिंदगी बसर कर सकते हैं, ड्रग्स और खुदकुशी से बाज आ जाएंगे। अगर हमारे बच्चों को रोजगार या बिजनेस मिल जाएंगे, गवर्नमेंट पर को इस पे फोकस करना चाहे। जम्मू कश्मीर के लोगों को प्यार मोहब्बत की जरूरत है, जम्मू कश्मीर के लोगों को गले लगाने की जरूरत है, खासकर जो जम्मू कश्मीर का युवा है उनको प्यार मोहब्बत की जरूरत है, उनको डंडों की जरूरत नहीं है, उनको प्यार मोहब्बत की जरूरत है। जितना प्यार करेंगे वो उससे आगे आ जाएंगे। मेरा रिक्वेस्ट है मरकजी सरकार से यही और उन नेताओं से जो आज जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, इसी पर फोकस करना। जो 5 अगस्त 2019 हमारा पोजीशन थे उस वही पर बात करने चाहिए, उसी पर दस्तखत करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना। बाकी रह गए रोड सड़कें, ये भी कोई भी कर सकते हैं। जो हमारे हक हम भीख नहीं मांगते हैं, हम हक मांगते हैं। जो उस पार्लियामेंट ने 70 साल पहले हमारा हक दिया, 70 साल भाजपा सरकार वालों ने ये तोड़ दिया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से और अमित शाह जी से, ये हमारा हक, हाथ जोड़कर खुदा के वास्ते हमको हक वापस मिलना चाहिए, तभी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग सुख चैन से जिंदगी बसर कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के हर तबके के लोग आज सफर कर रहे हैं। 2 साल से हम लॉकडाउन में हैं,
क्या हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ भी खुदा रा ध्यान दे दो। आज यहाँ बिजनेस भी ठप है, ट्रांसपोर्ट भी ठप है, ऑटो रिक्शा भी ठप है, और रेड़े वाले भी ठप है, और टांगे वाले भी ठप है। सब तबके के बिजनेस मैन यहाँ खत्म हो चुके, और जो किश्ती वाले हैं वो भी, उसका भी बिजनेस खत्म हो गया। क्यों? किश्ती वाले चल रहे टूरिस्ट से, जो टूरिस्ट आज बंद है, टूरिस्ट आज नहीं आ रहा है, तो इस पे फोकस करना चाहिए। आज मेरे ख्याल से 30-35 साल जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही सफर कर रहे हैं, ज्यादा सफर कर रहे हैं। जब भाजपा सरकार यहाँ भारत में आ गई, तब ज्यादा से हम जम्मू कश्मीर के लोग सफर कर रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, मेरा रिक्वेस्ट है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, मेरा रिक्वेस्ट यही है, हाथ जोड़कर जो हमारी पोजीशन थे वो बहाल किया जाए, बाकी कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर के 14 लीडर को बुलाया था, क्या लगता है आपको, क्यों बुलाया गया वो तो कल ही पता चल जाएगा। मैंने ये बात किया है, मेरा अपील ही रहेगा, मेरा कोई दबाव नहीं रहेगा। मेरा रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, मेरा रिक्वेस्ट यही है कि हमारा हुकूक जो यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को मांग है, वो पूरा किया जाए। ओके।